अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे परिवार में किसी ने हमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है प्रतीक के पापा, और आज मैं उसी राज पर से पर्दा उठाने वाली हूँ। ऐसा राज पूनम, और उस राज का निहार और उसके बच्चों की तस्वीरों से क्या लेना देना? ये राज निहार के बच्चों से ही जुड़ा हुआ है प्रतीक के पापा। इस राज को छुपाने वाले को शायद ये लगा होगा कि सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन सच की एक खासियत होती है, 100 तालों में छुपा कर रखो लेकिन सच बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। शायद राम को पिंकू का सच पता चल गया। अगर पिंकू का सच पता भी चल गया तो क्या है? तो इसी खानदान का खून, लेकिन मेरा क्या होगा? आज सबकी नजरों में गिर जाऊंगा मैं, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हे भगवान, इस राज को इतने वर्षों तक छुपा के रखा, आज वो बाहर आ ही रहा है। अब कुछ भी कर लो पर अपने परिवार को बिगड़ने से नहीं बचा सकती। जयपुर में ही हुई थी ना हमारी डिलीवरी? मामा तब तक उदयपुर जा चुकी थी। उदयपुर में ही तो हुई थी ना, बताया था। अरे क्या नाम था बेटा आपके स्कूल का? दिया ज्योति विद्यालय। मैंने घर में ना मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव किया था, बच्चों से मैंने कहा था कि कमरे में ही रहे, लेकिन अभी से मैं कमरे में गई तो रूम कमरे में है ही नहीं। आपके नंबर से कॉल आया था, ये कहाँ का नंबर है? ये उदयपुर के हॉस्पिटल का नंबर है, यहाँ से हजारों लोग फोन करते रहते हैं। आपको किससे बात करनी है? लगता है माँ को सच का पता चल गया, तो भी वो कल से इतनी पूछताछ कर रही थी। आप पहलिया मत बुझाइए, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। प्रतीक के पापा क्या बता सकते हैं इन तीनों बच्चों में से कौन है जो आपका पोता या पोती है? ये कैसा सवाल है पूनम? तीनों ही मेरे पोता पोती हैं। नहीं, के पापा आपको याद है बाबा जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इसी परिवार में कोई एक ऐसा है जो इस परिवार का सदस्य नहीं है। असल में उनका ताल्लुक इन बच्चों से था, इन्हीं बच्चों में से कोई एक ऐसा है जो हमारे खानदान का नहीं है प्रतीक के पापा। नहीं है ये।
रूही की हरकतें इस परिवार से मिलती हैं, क्योंकि वो निहार का खून है कि नहीं। ये क्या बोल रही है पूनम आप? रूही और जूही दोनों जुड़वा बहने हैं। हाँ पूनम, जूही में निहार की छाया है और रूही में रुचिता की छवि, दोनों का एक ही खून है। इसी गलत फहमी में तो जी रहे थे हम सब, जबकि सच तो ये है कि सिर्फ जूही निहार की बेटी है। पूनम, बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप रुचिता पर। कोई ठोस सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल है ठोस सबूत मेरे पास। ये देखिए, आज मैं उस हॉस्पिटल में गई थी जहां जूही का जन्म हुआ था, वहीं से मुझे ये मिला। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक रुचिता ने सिर्फ एक बच्ची को जन्म दिया है, जुड़वा बच्चियों को नहीं। मैं आप सब से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं रूही जूही में से किसी एक को नहीं चुन सकती। मेरी सांसें दोनों में बसती, इसलिए मैं दोनों को लेकर इस घर से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, अगर आप सबको जूही की कस्टडी के लिए केस करना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देने के लिए हर साधन है मेरे पास। कानून भी मेरी मजबूरी समझकर एक माँ का साथ जरूर देगा। अपनी आखिरी सांस तक अपनी बच्चियों के लिए लड़ूंगी मैं। ना उन्हें मैं खुद से दूर होने दूंगी, ना एक दूसरे से। वाह, क्या सोचा था और क्या हो रहा है, मजा ही आ गया। देखा देखा आप सबने, एक तो गलती करी, माफी मांगने के बजाय कैसे आकर दिखाकर चली गई। निहार बेटा, अब तो तू जूही की कस्टडी के लिए केस फाइल कर ही दे। देखो देखो, मम्मी कितनी सुंदर है ना, और आवाज भी कर रही है। मम्मी हम कहीं जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं। आप दोनों अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना? तो आपकी मम्मी जहाँ जाएंगी, आप दोनों बिना सवाल किए मेरे साथ चलोगे। निहार, इस बार रुचिता को तू अपनी मनमानी मत करने देना। रोक लेना जूही को, जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए निहार, उसे।
देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।